अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर हुसैन पराचा और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेहतरीन प्रोग्राम्स। जैसे कि इससे पहले भी आप लोग हमारे प्रोग्राम्स देखते रहे और इन्जॉय करते रहे, उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद आएगा। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके क्लिफ्टन के अंदर एक फिटनेस जिम के अंदर, जैसे कि आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं इस जिम के अंदर जिसका नाम है गोल्ड जिम, और चलकर इनके ट्रेनर और ऑनर से बात करते हैं कि वो स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। सर, हम J4 न्यूज़ की तरफ से आपके पास आए हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके जिम के बारे में, और आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं और फिटनेस को किस हवाले से आप जो है वो देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। जी, पहली बात तो ये कि हमारा जो ये 1995 से हम ये चला रहे हैं, हमारा फोकस है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, न्यू जनरेशन को जो है बुराइयों से बचाना, उनकी सेहत के बारे में उनको बताना कि सेहत, बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस क्यों ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको अपने तन साजों से मिलवाता हूँ। ये आज जो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा तो मुस्तकबिल इसका बहुत अच्छा होगा। ये ट्राइसेप्स के लिए लाइन फ्रेंच प्रेस कर रहा है लेट कर, एक मेरा छोटा सा तन साज, इसकी बहुत छोटी सी उम्र है, इसकी बॉडी के मसल देखें कितने खूबसूरत ही स्ट्रेटिंग बाइसेप कर रहे हैं, बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप जिम में कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं? जिम में मुझे हो गया तकरीबन 3-3.5 साल हो गए। 3 साल से आप इसी जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैं इतनी स्टार्ट किया है, मैंने आप सिकंदर बट साहब की कारकर्दगी से खुश हैं? जी जी, बहुत खुश हैं हम, बेस्ट ट्रेनिंग इनसे ही मिलती है हमें। आप दूसरों को रेकमेंड करेंगे कि वो इस जिम में आए? जी जी, मैं रेकमेंड बहुत करता हूँ, अपने दोस्तों को भी ले आता हूँ, कजिन को भी ले आता हूँ। अपने बाइसेप्स के लिए बाइसेप्स बना रहे हैं, स्टैंडिंग बारबेल कर्ल कहते हैं इसको, इससे बाइसेप्स की बाइसेप पीक बनती है, इसके बाइसेप पूरा जो है साइज में आता है। इसी तरह मैं आपको, ये बहुत मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल काम ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखना, सेहत को बचाना। हमारी कोशिश है कि न्यू जनरेशन को गलत कामों से, गलत मंशियात से, इन चीज़ों से बचाया जाए। ब्रांच मैनेजर हैं, इनकी एज जो है +50 है, ये आज भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं कि उनको मालूम है कि मैं फिट रहूंगा तो मेरी सेहत रहेगी। फिटनेस का ख्याल इस तरह रख लेता हूं मैं कि बेसिकली जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो दिन भर के जितने भी मेरे काम होते हैं या मेरी जितनी भी थकान या वो है, ये सब दूर हो जाती है। आप कब से कर रहे हैं ये? मैंने रीज्वाइन किया है क्लब तकरीबन 1 साल हो गया। तो यही रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा सही 20-25 मिनट टाइम जो एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें, जान है तो जहान है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस जिम का फर्स्ट मेंबर हूँ और बट साहब माशाल्लाह ऐसे ट्रेनर है जिसने माशाल्लाह, मैं 60 kg पर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 90 क्रॉस, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरे जिस्म, बॉडी जो है सब माशाल्लाह, क्रेडिट जाता है बट साहब को, जो कि ट्रेनिंग ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कोई यहाँ आए और फ्रेश इन्वायरमेंट और एक अच्छी इन्वायरमेंट में जिम करें, एक्सरसाइज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे कि सुहेल साहब ने अभी हमें बताया कि उन्हें इस जिम में आते हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और वो अपनी फिटनेस से और इस जिम की कारकर्दगी से बेतहाशा खुश हैं। तकरीबन मैं यहाँ तकरीबन 2.5-3 साल हो गए मेरे यहाँ ज्वाइन किए हैं, 105% सेटिस्फाई, क्योंकि इससे पहले मैं एक जिम ज्वाइन किए, 2 जिम मैंने ज्वाइन की, वन एक डिफेंस में था, एक जो है वो PIDC की तरफ था, लेकिन वही जिम में मुझे वो गाइडलाइन दी जा रही जो वहाँ नहीं दी जाती थी, बिल्कुल फ्री एक फ्रेंडली माहौल होता है। बट साहब इवन अगर आप खुद गलत करें तो बट साहब वहाँ से इशारा करते हुए खुद आते हैं, हमें बताते हैं कि इस तरह फॉलो करें आप, और जो गलती होती है हमें सिखाते हैं विदाउट एनी यूनि, फ्रेंडली माहौल नहीं ऐसा बिल्कुल होगा, लेकिन इस जिम में इस तरह कोई बात ना देखी मैंने ना कभी देखूँ, क्योंकि बाज़ों का जो हमारे दोस्त फ्रेंड वगैरह हैं उनके पास फीस इतनी होती है, स्टूडेंट होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो बट साहब उनको जो है वो ऑफ करा देते हैं और इस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि वो अपनी सेहत बनाएं बजाय इसके मंशियात वगैरह की तरफ रागब हो जाएं। तो इसलिए जो नई न्यू जनरेशन, उनको चाहिए कि क्लब ज्वाइन कर लें, यहाँ एक लाइफ बनाए, एक बॉडी बनाए, एक आइकन बने। ये मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ये 1995 से मेरे साथ हैं, जब हमारा फॉरम के बराबर में जिम था, ये बगैर स्टेरॉइड सिर्फ फूड सप्लीमेंट और नेचुरल डाइट के ऊपर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑन ऑफ रहते हैं, मगर माशाल्लाह इनकी फिटनेस देखें। देखें जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन अ क्योर। आजकल जो यूथ ड्रग्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं और ड्रग अब्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली इसमें नॉट इलीगल सब्सटेंस, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं जो डेली यूसेज कर रहे हैं यूथ, एंड इट्स अफेक्टिंग देयर हेल्थ बैडली फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हेयर लॉस जो आप देख रहे हैं आजकल जो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें भी आपका ड्रग्स, रॉन्ग फूड।
फूड इनटेक ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. स्लीपिंग पैटर्न लोगों का यहाँ ख़राब हो गया है. रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. मैं तो अपनी मिसाल दे सकता हूँ. आई एम 40 ईयर्स ओल्ड एट द मोमेंट एंड मैं 95 से वर्कआउट कर रहा हूँ. एंड मैं तो इनक्रेज करता हूँ जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, चाहे वो यंग हैं या बूढ़े हैं या मिड एज में हैं, आई इनक्रेज देम टू वर्कआउट और एक्सरसाइज. मैं तो अल्लाह का शुक्र यानी एक बहुत लंबा अरसा इनके साथ गुजारा है. ये मेरे उस्ताद भी हैं और आई वर्कड आउट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन ये है कि इनके साथ मोहब्बत है, पुरानी दोस्ती है और इज़ माई इंस्ट्रक्टर, सो आई प्रेफर टू वर्क आउट विद हिम. देखें बर्ड साहब के पास आएँ या नहीं आए, दैट्स सेकेंडरी क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी यूथ में लड़के हैं आजकल और लड़कियाँ दोनों, वो किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें. दे कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम होम. यानी बट साहब तो नहीं हर एक को यानी कर सकते, लेकिन वी ऑलवेज इनकरेज बट साहब एंड ही ऑलवेज इनकरेज द यूथ एंड अदर पीपल टू कम टू वर्क आउट. इनसे हम पता करते हैं कि उन खवातीन के बारे में ये क्या रिकमेंड करते हैं जो जिम ज्वाइन नहीं कर सकती. सबसे पहले तो उन खवातीन को मैं ये कहूँगा कि वो अपनी डाइट पे कंट्रोल करें और घर में कार्डियो करें, ट्रेडमिल ले लें, हॉर्स राइडर, क्लाइंबर, रोइंग, साइकिल, कोई एक चीज़ ले लें, उसको डेली 30 मिनट्स करें कम से कम और अपनी डाइट कंट्रोल करें. क्योंकि हाउस वाइफ के लिए डाइट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि यहाँ बॉयल और स्टीम खाया जाए. ये बहुत मुश्किल काम है. तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें जितना हो सकता है तेल, मीठा, चीनी से, शुगर से थोड़ा परहेज करें. कि हार्ट पेशेंट्स की एक्सरसाइज अलग होती है, उसकी डाइट अलग होती है, उसके मल्टीविटामिन अलग होते हैं, उसकी वेट ट्रेनिंग नहीं होती, वो सिर्फ गार्डन में होगी. वो गार्डन में जो हार्ट पेशेंट है गार्डन में एक्सरसाइज करेगा, उसकी डाइट अलग होगी, उसके मल्टीविटामिन अलग होंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है. बट साहब जो हैं इन्होंने हमें अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जो यंगस्टर्स एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए बट साहब ने ओपनली कहा है कि वो उनसे चार्जेस नहीं लेंगे. जो अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं और पे आउट नहीं कर सकते तो वो बट साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वो इस जिम को ज्वाइन कर सकते हैं. व्यूवर्स, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए शरारत के साथ. इसी के साथ अपनी मेज़बान अपनी हो सहर हुसैन पराचा को इजाज़त दीजिए. बहुत शुक्रिया. अल्लाह ने के बाद.